आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर इक्यावन हजार से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण का बाध्य उत्सव के इस माहौल में आज इस पव्यन पावन दिन रोजगार मेले में इक्यावन हजार नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं शुभकामनाएं देता हूं साथियों देश के लाखों युवाओं को भारत सरकार में परमानेंट सरकारी नौकरी देने का सिलसिला लगातार जारी है बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और अभी अभी हरियाणा में तो नई सरकार बनते ही 26,000 हजार युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है और आप में से जो हरियाणा से परिचित होंगे उनको पता है इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है नौजवान प्रसन्न है और आपको पता है हरियाणा में हमारी सरकार की पहचान हमारी सरकार की पहचान विशेष पहचान है वहां की सरकार की पहचान है वो नौकरी देती तो है लेकिन बिना खर्ची बिना पर्ची वहां नौकरी देती है मैं आज हरियाणा सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले 26,000 नौजवानों को भी विशेष बधाई देता हूं हरियाणा में 26,000 और आज इस कार्यक्रम में इक्यावन साथियों देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले ये हमारा कमिटमेंट है सरकार की नीतियां और निर्णयों का भी रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव होता है आज एक्सप्रेसवे हाईवे रोड रेल पोर्ट एयरपोर्ट फाइबर लाइन बिछाने का काम देश के कोने कोने में मोबाइल टावर लगाने का काम नए नए उद्योगों का विस्तार देश के कोने कोने तक कोने कोने में हो रहा है नए इंडस्ट्रियल शहर बनाए जा रहे हैं पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है इन सारे कामों से देश के लोगों को सुविधा तो मिल ही रही है लेकिन साथ साथ करोड़ों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन रहे हैं साथियों अभी कल ही मैं वडोदरा में था वहां मुझे डिफेंस सेक्टर के लिए एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन करने का अवसर मिला इस फैक्ट्री में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा लेकिन नौकरी के जितने अवसर तैयार होंगे उससे कहीं ज्यादा एयरक्राफ्ट के लिए जो स्पेयर पार्ट चाहिए वो स्पेयर पार्ट बनाने के लिए बहुत सारे छोटे 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 कारखानों की जाल जरूर बनेगी बहुत सारे छोटे छोटे कारखानों से उसको बनाकर के सप्लाई किया जाएगा ये पार्ट्स देश के कोने कोने में हमारे जो एमएसएमई है ना वो बनाएंगे नए एमएसएमई जाएंगे एक एयरक्राफ्ट में पंद्रह से पच्चीस हजार तक छोटे बड़े पुर्जे होते हैं पार्ट्स होते हैं यानी एक एक फैक्ट्री की डिमांड पूरी करने के लिए देश भर की हजारों छोटी बड़ी फैक्ट्रियां सक्रिय रहेगी आप सोच सकते हैं कि इससे हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा उनमें रोजगार के कितने मौके बनेंगे साथियों आज जब हम कोई योजना लॉन्च करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ लोगों को मिलने वाले ही होता है ऐसा नहीं है हम बहुत बड़े दायरे में सोचते हैं बल्कि हम उसके माध्यम से रोजगार सृजन का पूरा इकोसिस्टम भी डेवलप करते हैं जैसे पीएम सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना अब यूं तो लगता है कि अब लोगों को मुफ्त बिजली मिले इसके लिए योजना आई है लेकिन उसकी बारीकी में जाएंगे तो क्या दिखेगा अब देखिए दिखे, पिछले छह महीने में सवा करोड़ डेढ़ करोड़ करीब करीब लोगों ने ग्राहकों ने इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है 9000 से ज्यादा वेंडर्स योजना के साथ जुड़ चुके हैं जो इस फिटिंग का काम करेंगे पांच लाख से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं आने वाले दिनों में इस योजना के तहत एक मॉडल के रूप में देश के अलग अलग कोने में 800 सोलर विलेज बनाने की तैयारी है अब तक तीस हजार लोगों ने रूपटॉप पर सोलर इंस्टॉलेशन की ट्रेनिंग ली है यानी इस एक योजना ने मैन्युफैक्चरर्स, वेंडर्स एसेंबलर्स और रिपेयरर्स के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर तैयार कर दिए हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से देश में रोजगार के लाखों नए अवसर बनने जा रहे हैं साथियों मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको और मैं आज छोटे छोटे गांव से जुड़े उदाहरण दे रहा हूं आपको अब खादी की चर्चा तो हमारे देश में आजादी के समय से हो रही है लेकिन आज खादी ग्रामोद्योग क्या कमाल कर रहा है पिछले दस वर्षों में हमारी सरकार की नीतियों ने खादी ग्रामोद्योग इसकी पूरी तस्वीर ही बदल दी है और तस्वीर ही बदली ऐसा नहीं है गांव के इस काम से जुड़े लोगों की तकदीर भी बदल दी है आज एक साल में खादी ग्रामोद्योग डेढ़ लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर रहा है अगर 10 साल पहले की स्थिति से तुलना करें, जैसे अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सरकारी नौकरी के पुराने और नई सरकार के आंकड़े दे रहे थे कितने चौंकाने वाले थे दे आप देखिए मैं यहां एक और बात बता रहा हूं अगर हम यूपीए की और एनडीए की सरकार की तुलना करें खादी के संबंध में तो आज खादी की बिक्री यूपीए की सरकार से 400 प्रतिशत तक ज्यादा बढ़ गई है जब कारोबार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे जुड़े कारीगरों बुनकरों व्यापारियों को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है इस क्षेत्र में नए लोगों को अवसर मिल रहे हैं बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो रहा है इसी तरह हमारी लखपति दीदी योजना ने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए साधन दिए हैं पिछले एक दशक में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और आपको मालूम है सेल्फ हेल्प ग्रुप इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है कुछ न कुछ करके कमाई करता है मतलब दस करोड़ महिलाएं जो कमाने लगी हैं रोजगार स्वरोजगार के कारण उनके घर में पैसे आ रहे हैं अपनी मेहनत से आ रहे हैं ये दस करोड़ का आंकड़ा और सिर्फ महिलाओं का ये बहुत लोग हैं उनको नजर नहीं आता है और सरकार ने इन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया है संसाधन में सपोर्ट धन देने में सब, सपोर्ट ये महिलाएं किसी ना किसी रोजगार से आय अर्जित कर रही हैं कमाई कर रही है हमारी सरकार ने इनमें से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है मामूली इनकम नहीं हम इनकम भी बढ़ाना चाहते हैं अब तक करीब सवा करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं मतलब उनकी एक साल की इनकम एक लाख रुपए से ज्यादा हो गई है और ये हर वर्ष कमाने वाले हैं साथियों आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है देश की तरक्की देख देश का युवा ये भी पूछता है और स्वाभाविक है उसके मन में सवाल है कि जो गति आज है जो विस्तार आज है वो गति पहले क्यों नहीं पकड़ी इसका जवाब है पहले की सरकारों में नीति और नियत दोनों का अभाव था साथियों आप याद करिए पहले ऐसे कितने ही सेक्टर थे जिनमें भारत लगातार पिछड़ता जा रहा था खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजीज आती थी लेकिन भारत में हम उनका इंतजार करते रहते थे सोचते थे भाई दुनिया में तो आया हमारे यहां कब आएगा जो टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों में आउटडेटेड हो जाती थी निकम्मी हो जाती थी तब जाकर के वो हमारे यहां पहुंचती थी ये सोच बना दी गई थी कि हमारे देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो ही नहीं सकती इस मानसिकता से कितना बड़ा नुकसान हुआ भारत न केवल आधुनिक विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया बल्कि रोजगार के सबसे महत्वपूर्ण सोर्स भी हमसे दूर होते चले गए आधुनिक विश्व में जिन उद्योगों से रोजगार पैदा होता है जब वही नहीं होंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा इसलिए हमने पुरानी सरकारों की उस पुरानी सोच से देश को आजाद कराने के लिए काम शुरू किया है स्पेस सेक्टर से लेकर सेमीकंडक्टर तक इलेक्ट्रॉनिक से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक हमने हर नई तकनीक में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया हमने आत्मनिर्भर भारत पर काम किया